Miss Bilalah name Welcome to lecture number 32, uh, the last in the series of uh, lectures for your uh, uh, subject topic research tools and techniques. Uh, we are going to uh, begin the revision. We were doing the revision in the last uh, uh, set of slides as well, in lecture number 31, as well, and we had covered up till वट एवर वी हैड डन इन लेक्चर नंबर फिफ्टीन हमने लेक्चर नंबर फिफ्टीन तक जो है वो कवर कर दिया था लास्ट uh, लेक्चर की स्लाइड्स में और आज फाइनली वी आर गोइंग टू गो थ्रू द कोर्स वंस अगेन फ्रॉम लेक्चर नंबर सिक्सटीन टू लेक्चर नंबर थर्टी सो वेलकम वंस अगेन एंड फॉर द लास्ट टाइम ओके सो लेक्चर टॉपिक्स कवर्ड इन लेक्चर नंबर सिक्सटीन वट वी डिड Was basically, we had begun with the scaling uh, part of uh, your research design. We were on research design, and as you know, research design is a very, very lengthy uh, topic, and many lectures were required in covering uh, research design. We actually had started with the attitudinal uh, scales in lecture number 16. So, attitudinal scales are basically

आ, इन इन में फ़र्क क्या होता है और सबसे बढ़कर ये बात के स्टेटस्टिकल जो आ, हमने स्टेटिस्टिक्स अप्लाई करनी होती है वह हर स्केल के लिए डिफरेंट होती है तो ये फोर बे, मेजर बेसिक स्केल्स ही जो हैं वो एटीट्यूडनल स्केल्स के लिए इस्तेमाल होते हैं यानी कि एटीट्यूडनल स्केल्स क्या है हम किस तरह से तरह तरह के और तरीके तरीके के सवाल बना सकते हैं उन्हीं चार बेसिक स्केल्स का इस्तेमाल करके नामिनल ऑर्डिनल इंटरवल और रेशियो स्केल का इस्तेमाल करके हम अपने क्वेश्चन एयर में किस तरह के सवालत बना सकते हैं ये एटीट्यूडनल स्केल्स हमें बताते हैं दो तरह के होते हैं रेटिंग एंड रैंकिंग स्केल्स दो तरह के एटीट्यूडनल स्केल्स होते हैं रेटिंग एंड रैंकिंग स्केल्स और रेटिंग स्केल्स वो स्केल्स होते हैं जिसके अंदर हम लोग जो है कोई नंबर असाइन करते हैं अपनी स्टेटमेंट के ऊपर उसको जो है वो आपके रिस्पोंडेंट ने टिक करना होता है या किसी भी सिंबल को जो है वो टिक करना होता है तो जो है वो इसके अंदर रेटिंग स्केल्स में ज्यादातर जो इस्तेमाल होता है वो नॉमिनल आपके इंटरवल और रेशियो स्केल को हम इस्तेमाल कर सकते हैं रेटिंग स्केल्स के अंदर जबकि ऑर्डिनल स्केल जो है वो ज़्यादातर रैंकिंग आ, स्केल्स के लिए इस्तेमाल होता है रैंकिंग स्केल के अंदर हमने जो चॉइसेस होती हैं उनके सेलेक्ट करना होता है उनको हमने रैंक करना होता है तो आ, जो हम लोगों ने चॉइस के दरमियान जो है ऑप्शनस को Uh, जब हमने रैंक करवाना है तो वो फिर रैंकिंग स्केल्स हैं और जब हमने उसको रेट करना है यानी कोई नंबर या वैल्यू असाइन करनी है तो फिर वो रेटिंग स्केल्स हैं तो ये बुनियादी फर्क है रैंकिंग में हम चीज़ों के दरमियान जो है वो चॉइस करा रहे होते हैं कि ये आपको ज्यादा पसंद है कि ये चीज़ आपको ज्यादा पसंद है आ, और जो है वो पहले नंबर पे कौन सी चीज़ आपको पसंद है और दूसरे नंबर पे कौन सी चीज़ पसंद है तो हम चीज़ों के दरमियान तफरी करा रहे होते हैं रैंकिंग स्केल्स में और रेटिंग स्केल्स में वैल्यूज हम लोग वैल्यूज न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन करते हैं रेटिंग स्केल्स में ये फ़र्क है रेटिंग और रैंकिंग स्केल्स के अंदर रेटिंग स्केल्स जो हमने लेक्चर नंबर सोलह के अंदर कवर किए थे आपको याद होगा पहले नंबर पे हमने पढ़ा था डाइकॉटमस स्केल पहला जो स्केल हमने कवर किया था वो डाइकॉटमस स्केल था यानी जो है वो सिर्फ दो ऑप्शन होती हैं और ये नॉमिनल स्केल होता है आइदर येस और आइदर नो स्टेटमेंट होती है हमने बनाई भी होती है और अगर हमारा हार्ड टू माइर वेरिएबल था तो हमने जो है वो ए एलिमेंट आइडेंटिफाई किया एलिमेंट से हम लोग आइटम बनाते हैं और आइटम के अंदर जो है पहले स्टेटमेंट आती है और फिर स्टेटमेंट के बाद हम लोग सिंपली लिख देते हैं यस और नो और उस पर जो है वो बंदे टिक मार करते हैं जैसे डू यू लाइक टू वॉच मूवीज तो इधर जो है हम लोग ऑप्शन दे सकते हैं यस और नो और हमें पता चल जाएगा कि हमारे कितने फीसद रिस्पोंडेंट जो है वो मूवीज को मूवी वाचिंग को लाइक करते हैं और कितने परसेंट जो है वो नहीं करते या नहीं देख पाते तो यस और नो जो है वो नॉमिनल स्केल है इससे हासिल शुदा सवालत पर अगर आपने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों नामिनल स्केल पे हासिल किए हैं और डाइकॉटम स्केल जो है वो लगाया है तो फिर हम कौन सा टेस्ट लगा सकते हैं का स्क्वेयर का टेस्ट इसी तरीके से अगला रेटिंग स्केल हमने पढ़ा था कैटेगरी स्केल इसमें दो से ज्यादा ऑप्शंस होती हैं और जो है हम इसको कई बार पढ़ चुके हैं इसमें फॉर एग्जांपल अगर जो है कैटेगरी स्केल के अंदर आपके पास अस मेक ए क्वेश्चन ऑफ कैटेगरी स्केल इफ यू हैव ऑप्शन Okay, um, you have got 25 lakh rupees in your pocket. Uh, which um, area in which you are going to invest in? Which which option you are going to select from the following? Would you buy property out of uh, 25 lakh rupees? Would you? Um, uh make or uh, buy uh, some uh, invest in the currency foreign uh, exchange currency उसके अंदर आप जो है वह लेना पसंद पसंद करोगे तीसरी च्वास हम दे दें would you buy gold from it और इस तरीके से वुड यू लाइक टू तो पुट इट इन अ बैंक तो हम लोग जो है वो उसको बहुत सारी ऑप्शन दे रहे हैं बंदे को और उसने सिर्फ एक पे टिक करना है अगर एक पे टिक करना है और हम ऑप्शन दे रहे हैं तो ये भी जो है Uh, जो ऑप्शन है जाहिर है कि वो वर्ड्स की सूरत के अंदर है वर्ड्स की सूरत में है तो यह नॉमिनल है और ये कैटेगरी स्केल है इससे हमें पता चल जाएगा कि कितने फीसद लोग जो है गोल्ड खरीदना चाहते हैं कितने परसेंट लोग जो है वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और कितने परसेंट लोग फॉरन जो है वो करेंसी खरीदना चाहते हैं तो ये कैटेगरी स्केल था फिर उसके बाद हमने लिकट स्केल पढ़ा लिकट स्केल हमने बार बार पढ़ा इट इज प्रोबेबली दोस्ट यूटिलाइज स्के हम लोग इन तमाम uh, इस्तेमाल करते हैं um, इसको जो है वह मैनेजमेंट साइंसिस के अंदर और एच आर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है बहुत सिंपल स्केल है हम लोग जो है अगेन अपनी स्टेटमेंट लिखते हैं और स्टेटमेंट के आगे स्ट्रांग डिसगरी डिसगरी नीदर एग्री नॉट डिस और एग्री और स्ट्रांगली एगरी की ऑप्शन देते हैं तो इन ऑप्शन के नंबर क्या है स्ट्रॉन्गली डिस वन जो है वो स्टैंड फॉर स्ट्रॉन्गली डिस टू स्टैंड फॉर

फिर हमने आइटमाइज रेटिंग स्केल के ऊपर बात की थी आइटमाइज रेटिंग स्केल के बाद हम लोगों ने Uh, जो है वो फिक्स्ड uh, uh, या कांस्टेंट सम स्केल देखा था कांस्टेंट सम स्केल हमने बताया था कि ये ऑर्डिनल स्केल है फिर हमने स्टेपल स्केल देखा था और ग्राफिक रेटिंग स्केल्स भी देखे थे तो uh, हमने जो है वो uh, इस तरीके से अपने uh, सवालत बनाने हैं और इस तरीके से हम हमारे पास ऑप्शन है कुछ सवाल हमने नॉमिनल स्केल uh, पे बनाए कुछ हमने आ, जो है वो इंटरवल स्केल पे बनाए कुछ हमने सवाल जो है वो ऑर्डिनल स्केल के ऊपर बनाए रेटिंग स्केल्स हम लोगों ने इस लेक्चर में कवर किए थे फिर हम लोग जो है वो रैंकिंग स्केल्स के ऊपर चले गए थे और रैंकिंग स्केल्स के अंदर हम लोगों ने आ, तीन स्केल्स पढ़े थे एक पेयर डिफरेंसेस हमने पढ़ा था फिर हम लोगों ने आ, जो है वो आ, एक स्केल पढ़ा था जिसको हम लोगों ने कहा था कि फोर्स चॉइस है फोर्स चॉइस का स्केल पढ़ा था और आखिर में हमने कंपेरेटिव स्केल पढ़ा था तमाम के तमाम ऑर्डिनल स्केल्स थे और इसके ऊपर जो है हम लोगों ने कहा था कि हम कंपैरिजन करवा रहे होते हैं बिटवीन दी ऑप्शंस या चॉइसेस और हम रैंकिंग नहीं करवाते हैं तो लिहाज आ, हम लोग रेटिंग नहीं करवाते हैं रैंकिंग करवाते हैं ये रैंकिंग स्केल्स हमने लेक्चर नंबर 17 में पढ़े थे अगर आपको याद हो फिर हम गुडनेस ऑफ मईर्यर्स की तरफ चले गए थे हमने एटीट्यूडनल स्केल्स कवर करने के बाद वी कवर्ड द गुडनेस ऑफ मईर्स गुडनेस ऑफ मयर्स में हमने दो चीज़ें देखी थी रिलाईबलिटी ऑफ योर क्वेश्चन uh, एयर जिसको हम लोग जो है वो आपका मयरिंग um, इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हैं इसलिए जो है वो इसका नाम गुडनेस ऑफ मयर्स है मयर्स का मतलब है कि क्वेश्चन एयर यानी मयरिंग इंस्ट्रूमेंट इसकी हमने रिलायबिलिटी देखने की कोशिश की थी और इसकी वैलिडिटी देखने की कोशिश की थी और रिलायबिलिटी uh, के अंदर हमने देखा था कि किसी भी किस्म का कोई एरर तो नहीं है कोई uh, जो है वो मयरमेंट um, uh, का एरर हमने स्टेबिलिटी के साथ देखा था कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हमारी मयरमेंट चेंज तो नहीं होती है तो दैट वॉज बेसिकली टेस्ट रिला टेस्ट लगाया था टेस्ट टेस्ट रिलायबिलिटी का एक टेस्ट लगाया था जिसकी मदद से हमने जो है स्टेबिलिटी ओवर द टाइम अपने मैयर की यानी क्वेश्चन है हमने डेवलप कर लिया उसके अंदर जो है वो एटीट्यूडल से हमें पता चल गया कि हमने कौन से सवाल बनाने हैं फिर हमने जो उसकी टेस्टिंग करनी है शुरू में अगर पायलट टेस्टिंग करनी है तो फिर हम रिलायबिलिटी चेक कर सकते हैं स्टेबिलिटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और फिर हमने कहा था कि हमने इंटर आइटम कॉन्सिस्टेंसी भी चेक करनी होती है वो भी रिलायबिलिटी ही की एक फॉर्म है यानी कि जो हमने बहुत सारे सवाल एक वेरिएबल को मैयर करने के लिए कैप्चर करने के लिए बनाए हैं क्या जो है वो वो उनका सवालों का जवाब हमें कॉन्सिस्टेंटली मिलता है या नहीं मिलता है और इसको हमने जो है वो एक टेस्ट होता है अगर आपको याद हो क्रॉन बैक एल्फा का तो क्रॉन बैक एल्फा का कोफिशन जो है हमें ये आगाह करता है ये चीज़ बताता है कि क्या इंटर आइटम कॉन्सिस्टेंसी रिलायबिलिटी है या नहीं है जितनी इसकी वैल्यू हाई होती है पॉइंट सेवन एंड अब हम कहते हैं कि हमारे मैयर के अंदर यानी कि हमारे आ, सवालों के अंदर जो हमने एक वेरिएबल को पूछने के लिए लोगों से पूछे हैं उनमें कॉन्सिसटेंसी है उनमें उन तरह तरह के हमें जवाब नहीं आए उनके अंदर एक बंदे ने जो है वो सारी की सारी डायमेंशन और एलिमेंट्स पे तकरीबन यकसा जो है वो जवाब दिए हैं तो वहां से हमें जो है वो इंटर आइटम कॉन्सिस्टेंसी रिलायबिलिटी मालूम होती है ये हमने जो है वो रिलायबिलिटी के टेस्ट हमने लेक्चर नंबर सेवनटीन में कवर किए थे फिर हम जो है वो वैलिडिटी की तरफ बढ़े थे लेक्चर नंबर 18 में वैलिडिटी भी आपने चेक करनी थी किस चीज की आपने अपने क्वेश्चन एयर की वैलिडिटी भी चेक करनी थी और क्वेश्चन एयर की वैलिडिटी के अंदर जो है अगेन आपने जो है उसकी कंटेंट वैलिडिटी चेक करनी थी देन आपने क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी चेक करनी थी और तीसरे नंबर पे कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी uh, चेक करनी थी वैलिडिटी क्या होती है कि जो चीज़ें आप मैयर करने के लिए निकले हो या चले हो क्या उन्हीं चीजों पे आप मैयर करके आपने जो है वो आ, बहुत कोशिश करके प्रैक्टिस करके अपना क्वेश्चन डेवलप किया है तो दैट इज योर वैलिडिटी वैलिडिटी ऑफ मैयर ये है कि जो सवाल हैं क्या दुरुस्त है या नहीं है और रिलायबिलिटी क्या थी कि क्या जो हमारे सवाल हैं वो दुरुस्त तौर पर मैयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो ये बुनियादी फर्क है रिलायबिलिटी और वैलिडिटी में क्या हमने दुरुस्त सवाल बनाए हैं वो ये चीज़ वैलिडिटी है और क्या हमारे सवाल दुरुस्त तौर पर जो है वो मयरमेंट कर रहे हैं दे रहे हैं ये रिलायबिलिटी के अंदर कवर आ, हमने किया था कॉन्टेंट वेलिडिटी जो है वो ये, आ, आ, ये चेक करने के लिए होती है कि आया हमने जो सवाल बनाए हैं अगर हार्ड टू मईर वेरिएबल था उसके बहुत सारे सवाल बना बना लिए हैं तो क्या तमाम डायमेंशनस जो है वो कवर हो रही हैं या नहीं हो रही है कोई डायमेंशन रह तो नहीं गई और इसको हम लोगों ने देखा था कि हम फेस वैलिडिटी की मदद से चेक कर सकते हैं फेस वैलिडिटी क्या है कि अगर हम किसी सीनियर बंदे के पास किसी एक्सपीरियंस्ड रिसर्चर के पास जाए और उसको चेक करवा लें अपने सवाल और तो वो ओके कर दे तो इसका मतलब है कि हमारे सवाल नामे के अंदर आ, जो है वो कॉन्टेंट वेलिडिटी और फेस वेलिडिटी है फिर हम लोग जो है वो वैलिडिटी मैयर करने के लिए क्राइटेरिया रिलेटेड वैलडिटी थी जिसके अंदर हम कहते हैं कि क्या चीज़ जो कर रहा है जो मैयर आपने इंस्ट्रूमेंट बनाया है वो लोगों में डिफ्रेंशिएट करवा रहा है या नहीं करवा पा रहा है अगर कोई लाइक like स्टूडेंट है और ना लाइक स्टूडेंट हैं उनमें आपका बनाया हुआ सवाल डिफरेंशियट करवा देता है जिनका मोरल हाई है जिनका मोरल कम है क्या डिफरेंशियट करवा रहा है या नहीं करवा रहा है इसमें हमने जो है वो दो तरह की वैलिडिटीज़ पढ़ी थी कौन जो कि रियल टाइम के लिए है प्रेजेंट टाइम के लिए है और आ, हमने आ, जो है वो एक प्रडिक्टिव वैलिडिटी पढ़ी थी जो कि फ्यूचर के लिए है देन हमने जो है वो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी देखी थी और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या है कि अगर जो हमने जिस तरीके से अपने क्वेश्चन या बनाया है डेवलप किया है आ, उसके अंदर जो है जो आइटम्स हैं वो आ, क्या आ, सारे के सारे कवर हो रहे हैं जो, जो कि हमारी थ्योरी के अंदर मौजूद है दैट इज़ योर कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी और इसमें हमने जो है वो कॉन्वर्जेंट वैलिडिटी देखी थी यानी कि अगर किसी और बंदे ने भी उस तरह के सवाल बनाए हैं तो क्या हम हमार, हमारे बनाए हुए सवालों पर और उस बंदे के बनाए हुए सवालों पर जिसका जो, जो आ, इंस्ट्रूमेंट है वो वैलिड भी है रिलायबल भी है जिसने पहले इस पर रिसर्च की है एक जैसे और यकसा जो है वो जवाब आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं दैट इज एंड कन्वर्जेंट वैलिडिटी और अगर जवाब नहीं आ रहे तो इसका मतलब है कि एक पैमाना सही नहीं है वैलिडिटी uh, को मुहैया करने के लिए मैंने आपको एक टेस्ट बताया था जिसको फैक्टर एनालिसिस uh, कहते हैं हम फैक्टर एनालिसिस की मदद से भी अपने कंस्ट्रक्ट uh, वैलिडिटी को चेक कर सकते हैं तो हमने जो है वो रिलायबिलिटी को चेक करने की बात की वैलिडिटी को uh, चेक करने की बात की रिलायबिलिटी टेस्ट रिटेस्ट के लिए हम कोरिलेशन लगा सकते हैं देन uh, हम जो है वो क्रॉन बैक एल्फा कोएफिशिएंट मालूम कर सकते हैं इंटर आइटम कॉन्सिस्टेंसी के लिए और फैक्टर एनालिसिस कर सकते हैं अ, अपनी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को मालूम करने के लिए तो ये गुडनेस ऑफ मैयर और उसके टेस्ट हमने लेक्चर नंबर 18 में देखे थे लेक्चर नंबर 19 में हमने क्या कवर किया था लेक्चर नंबर 19 के अंदर इंट्रोडक्शन टू डाटा कलेक्शन मेथड्स हमने देखी थी डाटा कलेक्शन मैथड्स इज़ ए वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर टॉपिक और जो आपका जो सब्जेक्ट है डेट इज़ बेसिकली रिसर्च टूल्स एंड टेक्नीस यानि कि जो डाटा कलेक्शन मैथड्स हैं असल में ये आपकी टूल्स आपके ये टूल्स हैं इन इनकी मदद से आप जो है वह डाटा गैदर करते हो तो जो हमारे जो सब्जेक्ट है उ, उसके अंदर भी डाटा कलेक्शन मेथड की तरफ इशारा है कि कौन कौन से टूल्स आपके रपर टायर में आपके ब्रीफ केस में मौजूद हैं जिसकी मदद से आप डाटा गैदरिंग कर सकते हो एक चीज़ हमने पढ़ ली वो था क्वेश्चन ईयर क्वेश्चन ईयर हमने जो है वो पिछले लेक्चर्स में कवर कर लिया फिर हमने देखा था कि एक और मैथड है जिसकी मदद से डाटा गैदर होता है और वो है इंटरव्यूज का मैथड तीसरा मेथड मैंने आपको बताया था ऑब्जर्वेशनल सर्वेस का और ऑब्जर्वेशनल सर्वेस की मदद से भी हम क्वालिटेटिव डाटा एंड क्वांटिटेटिव डाटा दोनों हम गैदर कर सकते हैं और चौथा था फिज़िकल मेजरमेंट तो ये जो मुख्तफ टूल्स हैं इनकी मदद से हम जो है वो डाटा गैदर करते हैं डाटा कलेक्शन मैथड्स में एक और चीज़ भी um, आपको पता होनी चाहिए हमने बहुत आ, फसाहत के साथ कवर की और वो थी सेकेंडरी डाटा सेकेंडरी डाटा भी बज दफ़ा अवेलेबल होता है और हम लोग जस्ट जाके रिकॉर्ड्स को आ, जो है वो ले लेते हैं विद द परमिशन ऑफ द अथॉरिटीज़ और उसको हम अपनी रिसर्च के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये मुखलिफ जो है वो डाटा कलेक्शन के आ, आ, जो है वो तरीक़ाकार हैं इसके अंदर इस चैप्टर में या इस लेक्चर में हमने चार चीजें देखी थी क्वेश्चन एयर के जरिए से डाटा गैदरिंग इंटरव्यूज के जरिए से और फिर उसके बाद आ, जो है वो ऑब्जर्वेशनल सर्वे और चौथे नंबर पर फिजिकल मायरमेंट के साथ फिर हमने आ, इसी लेक्चर में रहते हुए प्रिंसिपल्स ऑफ क्वेश्चन एयर डिजाइन देखा था क्वेश्चन एयर के अंदर जो है वो आ, हमने ये तो देख लिया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के सवाल कैसे बनते हैं अब एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन एयर में कितने पार्ट्स होते हैं जी हाँ आप जान गए हो इसके अंदर तीन पार्ट्स होते हैं एक इंट्रोडक्शन फिर दूसरे नंबर पे पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ द रिस्पांडेंट या हम इसको डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन भी कहते हैं ये चीज़ भी हमने पूछनी होती है और तीसरे नंबर पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मुतालिक सवाल होते हैं उसकी मदद मतलब से क्वेश्चन एयर बनता है क्वेश्चन एयर डिज़ाइन की बहुत सारी बातें हमने लेक्चर लेक्चर नंबर 19 में कवर की थी उसकी लैंग्वेज के हिसाब हवाले से और उसके जो है वो डाटा कलेक्शन थ्रू इंटरव्यूज कवर किया था लेक्चर नंबर 20 में लेक्चर नंबर 20 के अंदर हमने डाटा कलेक्शन थ्रू इंटरव्यूज किया था इंटरव्यूज के बारे में हम पढ़ चुके थे स्टेप नंबर टू पे रिसर्च प्रोसेस के स्टेप नंबर टू पे आपको तफसील बताई गई थी कि एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या फ़र्क होता है ओपन एंडेड सवाल क्या होते हैं इसी को हमने जो है वो यहाँ पे डिस्कशन के हवाले से कवर किया था मैंने आपको बताया था कि फोकस ग्रुप के साथ हम लोग जो है वो डिस्कशन कर सकते हैं और हम लोग पैनल सर्वेस कर सकते हैं उसके अंदर हम लोगों को बिठाते हैं सर्कल के अंदर और फिर बारी बारी उनसे सवाल करते हैं इनकेस के हमें Uh, जो है वो मौका ना मिले स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ करने का बारी बारी तो हम लोग जो है वो आ, इस तरीके से भी प्राइमरी डाटा गैदर कर सकते हैं फिर कुछ बात हम लोगों ने इंटरव्यूज़ के अंदर ही की की थी कि हम फेस टू फ़ेस इंटरव्यूज़ भी कर सकते हैं और टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ भी कर सकते हैं टेलीफोनिक इंटरव्यूज में हमें किन चीजों का किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ये चीजें हमने आ, जो है वो डेटा कलेक्शन थ्रू इंटरव्यूज के अंदर कवर की थी आगे हम बड़े थे और फिर हमने ऑब्जर्वेशनल सर्विस कवर किया लेक्चर नंबर ट्वेंटी वन में ये वही डाटा कलेक्शन मैथड्स कवर हो रहे हैं जो हमने लेक्चर नंबर नाइनटीन में स्टार्ट किए थे डाटा कलेक्शन मेथड में तीसरे मैथड पे यानी ऑब्जर्वेशनल सर्वेस के ऊपर हम लोग आ गए थे लेक्चर नंबर ट्वेंटी वन में अगर आप जो है वो देखना चाहें इसको बौौर पढ़ना चाहें तो यू कैन ऑलवेज गो बैक टू लेक्चर नंबर ट्वेंटी वन ऑब्जर्वेशनल सर्वेज जो है वो चार तरह के होते हैं चार तरह में कौन कौन सी कौन कौन से कार हैं एक जो है वो ऑब्जर्वेशनल सर्वे होता है थ्रू पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर वो ऑब्जर्वर होता है जो आपके ग्रुप का हिस्सा बन जाता है जहाँ से वो डाटा कलेक्शन के लिए जाता है फॉर एग्जाम्पल अगर जो है रिसर्चर इंटरेस्ट रखता है मज़दूरों के मसाइल को देखने के लिए तो फिर वो उस ग्रुप का हिस्सा बन जाएगा वो वहाँ पे जाके मजदूरों के साथ पार्टिसिपेट करेगा और जो है सुबह से शाम तक मजदूरी करेगा और फिर वो उसको पता चलेगा कि सुबह से शाम तक मज़दूरों पे क्या बीतती है और ये था हमारा पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर इसके मुकाबले में नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर वो है जो कि दूर से चीज़ों का मुताे करता है देखता है और फिर जो है वो अपनी रिपोर्ट वो उस चीज़ के बारे में मुतल राइट करता है सो so इसके अंदर ये तरीका कार ऑब्जर्वेशनल सर्विस का, का मुख्तलिफ है इंटरव्यू से और क्वेश्चन एयरफिल करवाने से कि यहाँ पर ऑब्जर्वेशन के दौरान हम लोग नोट तो चीज़ें करते हैं मगर कोई चीज़ें जो है वो आ, ब, आ, बिल वास्ता हम लोगों से और नहीं पूछते हैं सो दैट इज़ बेसिकली फिर तो वो ऑब्जर्वेशनल सर्वे ना रहा फिर तो वो इंटरव्यू बन जाएगा तो हमने इंटरव्यू नहीं करना है बल्कि सिर्फ आंखों की मदद से ऑब्ज़र्व करना है देखना है ये दो का हमने इस लेक्चर में कवर किए थे इसके अलावा हम मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशनल सर्वेज भी होती हैं और अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशनल सर्वेज भी होते हैं स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशनल सर्वेस वो सर्वेस होते हैं जिसके अंदर हमें पहले से पता होता है कि किन वेरिएबल्स के मुतालिक हमें डाटा गैदर करना है उनकी लिस्ट हमारे पास होनी चाहिए यानी कि ये जो स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशनल सर्वेस है ये एडवांस स्टेजेस ऑफ रिसर्च में जाकर होते हैं स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशनल सर्विस एडवांस स्टेजेस ऑफ रिसर्च के अंदर जाके होते हैं हमें वेरिएबल्स के मुताबिक पता होता है हमने क्या इंफॉर्मेशन सीख करनी है फॉर एग्जांपल लोगों के क्या चीज़ ऑब्जर्व करनी है और हमें उन लोगों के बारे में भी पता होना चाहिए जिनको हमने ऑब्जर्व करना है तभी हम बेहतर तौर तो पर स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशनल सर्वे कर पाएंगे हमने लोगों को आइडेंटिफाई किया ये चार लोग हैं जिनको हम पूरे दिन भर ऑब्जर्व करेंगे चार मैनेजर्स हैं और फिर हम लोगों ने जो है वो ये चीज़ नोट की कि ये सुबह से लेकर शाम तक तो क्या काम करते हैं कितना परसेंट टाइम ये लोग मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉज पर सर्व करते हैं कितना परसेंट टाइम ये लोग जो है वो पेपर वर्क पे uh, ख़र्च करते हैं कितने परसेंट टाइम ये लोग जो है वो uh, लोगों से बातचीत और मिलने मिलाने कस्टमर डीलिंग के अंदर खर्च करते हैं तो यह चीज़ आपको जो है वो स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशनल सर्वे से मालूम हो जाएगी आपने टाइम नोट किया और इसके ऊपर अगर आपने स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशनल सर्वे किया है तो टेस्ट वगैरह भी लग जाएंगे क्योंकि आप न्यूमरिकल डाटा गैदर कर रहे होंगे देन हमने जो है वो ये भी चीज़ मालूम की थी कि हमने आ, ना सिर्फ क्योंकि एक बंदे Uh, के बस से बाहर की बात होती है ऑब्जर्वेशनल सर्वे करना और स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशनल सर्वे करना तो इसमें हम टीम्स बनाते हैं जो कि ऑब्ज़र्व करके हमारे लिए डाटा लेकर आती हैं हम फॉर्म्स उनको देते हैं जिनके ऊपर ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो फॉर्मेट बना होता है और फिर वो लोग जो है वो चेक करते हैं उनको हदायत दी जाती हैं क्या क्या चीज़ें आपने चेक करनी है दस बीस लोगों को हमने भेज दिया जो कि दस बीस मैनेजर्स का डाटा हमें सुबह से शाम तक लेकर आ गए और फिर मैंने आपको बताया था कि इंटर ऑब्जर्वर रिलाइबिलिटी भी इसमें दरकार होती है यानी कि हम उन ऑब्जर्वर्स के ऊपर ऑब्जर्वर्स की ड्यूटी लगा सकते हैं और उनको चेक कर सकते हैं फिर हमने बात की थी अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशनल स्टडीज की जिसके अंदर हमने देखा था कि जो है वो कोई स्ट्रक्चर्ड या प्री डिटर्म फॉर्मेट नहीं होता है और जो बंदा है जो रिसर्चर है ऑब्जर्वर है जस्ट जाके चीज़ों को ऑब्जर्व करता है और बाद में उनको नोट डाउन करता है अपनी नोटबुक के अंदर तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों को देखना सुबह से शाम तक नर्सरी के अंदर क्या उनकी टॉय प्रेफरेंसेस हैं किस तरीके से वो टीचर के साथ डील करते हैं ये थी एग्जाम्पल अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशनल सर्विस की फिर फिजिकल मयरमेंट के अंदर हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी थी वो ये था कि आपके पास जो मयरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो बिल्कुल आ, उसी चीज़ को मैयर करने के लिए होना चाहिए जिसको आप मापने के लिए निकले हैं फॉर एग्जांपल रूम साइज है तो वो फिर आप इंची टेप के साथ मैयर कर सकते हैं वेट है तो फिर आप वेइंग मशीन के साथ मैयर कर सकते हैं और ये फिर चीज़ें आपने रिकॉर्ड करनी है आपने फ़िज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो जो मयरमेंट ले रहा है उसको देखना है कि क्या वो हर बार हमेशा सही मयरमेंट देत, देता है उसकी सुई जो है अगर वेइंग बैलेंस है तो ज़ीरो पर आके रुकती है टिकती है कि नहीं टिकती है और इस हवाले से हम लोग फिज़िकल मयरमेंट के जरिए से भी डाटा गैदर करते हैं अगर हमारे पास कोई इस किस्म का थेराटिकल फ्रेम के अंदर वेरिएबल मौजूद हो तो ये चार तरीके हमने प्राइम, प्राइमरी प्राइमरी डाटा गैदरिंग के आ, देखे थे लेक्चर 21 में हमने इसको कवर किया लेक्चर नंबर 22 के के अंदर हम लोग आ गए थे इंट्रोडक्शन टू एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस हम लोग हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस कवर किए लेक्चर नंबर 22 के अंदर और Uh, जो है वो एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस आपको पता है इसके अंदर जो बुनियादी चीजें हैं वो क्या हैं एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस में इंपॉर्टेंट थिंग इज द दुपलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैनुपलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और मैनुपलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है कि जो आपके ग्रुप्स uh, आपने फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंट के लिए आइडेंटिफाई किया हमेशा इसमें ग्रुप्स भी बनेंगे एक्सपेरिमेंट्स में उनमें से एक या दो ग्रुप को आप जो है वो भरपूर तौर पर डोज दोगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की और एक ग्रुप को आप डोज नहीं दोगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो कि कंट्रोल ग्रुप कहलाएगा जिनको जिन, जिन ग्रुप्स को आप डोज देते हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जैसे फॉर एग्जांपल लेक्चर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये मोटिवेशन लेवल को बढ़ा रहा है तो लेक्चर जो है वो दो ग्रुप्स को दिया जाएगा किन दो ग्रुप्स को दिया जाएगा ऐसे ग्रुप्स का नाम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स है और जिस ग्रुप को लेक्चर नहीं दिया जाएगा यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डोज नहीं दी जाएगी वो हमारा कंट्रोल ग्रुप है तो एक्सपेरिमेंट्स के अंदर यू मेक ग्रुप्स एंड यू डू मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल देन आई वी आल्सो डिस्कस्ड दैट इन द दिगनिंग ए प्री टेस्ट इज टेकन एंड प्री टेस्ट इज टेकन ऑफ विच वेरिएबल आप लोग जान गए होंगे ये हम लोग जो है वो ले, uh, लेते हैं आपके डिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल का हम लोग प्री टेस्ट लेते हैं तमाम ग्रुप से अगर ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है तो प्री टेस्ट के प्री टेस्ट भी होगा उसके अंदर और जो है वो पोस्ट टेस्ट भी होगा प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट दोनों के अंदर हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल के मुतालिक सवाल उसको मैयर करेंगे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मोटिवेशन आपका डिपेंडेंट वेरिएबल था तो मोटि एम्प्लॉई मोटिवेशन नापी जाएगी मालूम की जाएगी इन प्री टेस्ट ऑफ ऑल द ग्रुप्स और फिर उसको उसका हम एवरेज लेंगे और फिर हम जो है वो डोज देंगे इनडिपेंडेंट वेरिएबल की यानी कि हम मेन्यूपलेशन करेंगे और मेन्यूपलेशन करने के बाद हम लोग पोस्ट टेस्ट लेंगे जिसमें आ, हम अगेन जो है वो लोगों की मोटिवेशन लेवल मैत करेंगे तो ये तमाम चीज़ें एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस का हिस्सा हैं फिर हम लोग आ, जो है वो आ, किस तरीके से इंडिपेंडेंट वेरिएबल का अफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर देख सकते हैं हम लोग पोस्ट टेस्ट में से प्री टेस्ट को माइनस करते हैं पोस्ट टेस्ट वाली रीडिंग में से हम प्री टेस्ट को माइनस करते हैं और हमें पता चलता है कि हमारी ट्रीटमेंट देने से कोई फ़र्क पड़ा है आया या नहीं पड़ा है तो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की ये कुछ बुनियादी खसूसियात थी फिर हम लोगों ने कंट्रोलिंग एक्सोजेनस वेरिएबल स्टडी किया था कंट्रोल ऑफ एक्सोजेनस वेरिएबल में हमने तीन कार देखे थे तीन टेक्निक्स देखी थी जिसकी मदद से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं पहली टेक्निक हमने देखी थी कि ऐसे लोगों को हमने जो कि एक्जोजनस वेरिएबल Uh, uh, अपने साथ लेकर आ रहे थे जो कि न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट कर रहे थे हमारे एक्सपेरिमेंट में हमने उनको एलिमिनेट कर दिया फ्रॉम दी एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप ऐसे लोगों को हमने शामिल नहीं किया uh, हमने एक एग्जांपल देखी थी कि uh, जो है वो हम लोगों ने ट्रेनिंग दी वेब पेज डेवलपमेंट की और उसकी उसकी मदद से हम देखना चाह रहे थे कि वेब पेज बनाने का नॉलेज क्या वेब पेज बनाना आ गया तो ट्रेनिंग कॉजेस दी इंक्रीज इन दी नॉलेज ऑफ वेब पेज डेवलपमेंट ये कॉज एंड इफेक्ट स्टडी हम लोग कर रहे थे तो इसके अंदर बात सेक्ट्रीज को पहले से एक्सपीरियंस था जिसकी मदद से जिसकी वजह से हमारा एक्सपेरिमेंट ख़राब हो सकता था और uh, जो है वो um, लिहाजा हमने एक्सपीरियंस्ड जो सेक्रेटरीज थी उनको अपने एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप का हिस्सा नहीं बनने दिया फिर हम लोगों ने देखा था कि हम मैचिंग ग्रुप्स भी बना सकते हैं अगर हम हमारे पास जो है इस तरीके से कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल uh, ग्रुप्स हों के उसके अंदर uh, जो है वो उस वेरिएबल uh, uh, को उस एक्जोजनस वेरिएबल को इक्वली स्प्रेड करना हो तो फिर हम कंट्रोल ग्रुप्स बनाते हैं और तीसरी ऑप्शन हमारे पास रेंटमाइजेशन की थी कि रेंटमाइजेसन के कार के साथ हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप बनाए जिसकी मदद से जो एक्ज़ोजनस वेरिएबल्स थे वो तीनों ग्रुप्स के अंदर इक्वली डिवाइड हो गए ये तीन टेक्निक्स हमने देखी थी कंट्रोलिंग दी एक्सोजेनस वेरिएबल की फिर हमने इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी ऑफ फील्ड एंड लैब एक्सपेरिमेंट्स देखी थी इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी ऑफ फील्ड एंड लैब एक्सपेरिमेंट्स देखी थी ये उस चीज़ से मुख्तलिफ है जो हम लोगों ने कवर किया था रिलायलिटी एंड वैलिडिटी टेक्निक्स ऑफ मेकिंग दी क्वेश्चन ईर क्वेश्चन ईयर को हमने रिलाईबल और वैलड बनाना था फिर हमने यहाँ पर देखा था कि Uh, जो वैलिडिटी है जो इंटरनल वैलिडिटी है वो हमारे लैब एक्सपेरिमेंट की ज़्यादा होती है और हमारे फील्ड एक्सपेरिमेंट की एक्सटर्नल वेलिडिटी ज़्यादा होती है ये चीज़ें हमने कवर की थी लेक्चर नंबर ट्वेंटी टू में uh, इसी तरीके से हम लोगों ने यह भी जाना था कि इंटरनल वेलिडिटी कम होती है फील्ड एक्सपेरिमेंट की और ज़्यादा होती है इंटरनल uh, वैलिडिटी uh, हमारे लैब एक्सपेरिमेंट की फिर हम आ, जो है वो लेक्चर नंबर ट्वेंटी थर्ड पे चले गए थे ट्वेंटी तेईसवे लेक्चर में हमने क्या चीज कवर की फैक्टर्स इफेक्टिंग दी इंटरनल वैलिडिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स फैक्टर्स इफेक्टिंग दी इंटरनल वैलिडिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कवर किया गया टॉपिक इन लेक्चर नंबर ट्वेंटी थर्ड और इसके अंदर हमने आ, जो है ये देखा कि कुछ फैक्टर्स हैं जिन को निगाह में रखना है रिसर्चर ने जब भी रिसर्च करनी है ही ऑट टू बी वेरी क्लियर अबाउट फैक्टर्स व्हेन ही इज कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट वो भी इंटरनल वैलिडिटी को यानी उसके कॉन्फिडेंस लेवल इन द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इनडिपेंडेंट वेरिएबल को चेक कर सकते हैं और उसमें हमने पहला इफेक्ट पढ़ा था हिस्ट्री इफेक्ट ये सा, ये हम ये सात इफेक्ट थे जो हमने देखे बारी बारी पहला था हिस्ट्री इफेक्ट दूसरा था आ, हमने देखा मेचूरेशन इफेक्ट फिर हमने टेस्टिंग इफेक्ट देखा फिर हमने इंस्ट्रूमेंटेशन इफेक्ट देखा फिर हमने सिलेक्शन बायस इफेक्ट देखा फिर हमने स्टेटिस्टिकल रिग्रेशन इफेक्ट और आखिर में मोर्टेलिटी इफेक्ट पड़े ये सात इफेक्ट्स हमने पढ़े जो कि आपकी इंटरनल वेलिडिटी को खराब कर सकते हैं हिस्ट्री इफेक्ट ये था कि कोई अनटूअर्ड इवेंट ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ना आकर हो जाए दूसरा जो अफेक्ट था हमारा वो था आ, आ, मैचुरेशन अफेक्ट और मैचुरेशन अफेक्ट ये है कि आपने अपने सब्जेक्ट्स को रिसर्च सब्जेक्ट्स को जिनसे हम क्वेश्चन एसिल करवाते हैं उनको रिस्पोंडेंट कहते हैं और जिनके ऊपर uh, हम एक्सपेरिमेंट uh, कंडक्ट करते हैं कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का जो लोग हिस्सा होते हैं वो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं उनको बोर नहीं होने देना उनकी भूख प्यास का ख्याल रखना है तो हमें मेचूरेशन इफेक्ट uh, जो है उसका सामना नहीं करना पड़ेगा वरना अगेन हम, हमारी रीडिंग्स प्री टेस्ट की और पोस्ट टेस्ट की खराब हो सकती हैं देन टेस्टिंग इफेक्ट देखा था और टेस्टिंग इफेक्ट हमने देखा था कि इवन कंट्रोल ग्रुप की रीडिंग्स जो हैं प, आ, पोस्ट टेस्ट में बढ़ी हुई आती हैं प्री टेस्ट की बनस्बत तो अगर हम कंट्रोल ग्रुप की पोस्ट टेस्ट की रीडिंग में से प्री टेस्ट की रीडिंग निकाल देंगे तो वो वैल्यू हम जो है वो टेस्टिंग इफेक्ट को एट्रीब्यूट कर सकते हैं और इस वैल्यू को हमें बाकी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स के अंदर भी जो पोस्ट टेस्ट की वैल्यूज आए उसमें से माइनस या मिना करना पड़ेगा खारिज करना पड़ेगा तब हमें असल वैल्यू पता चलेगी जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से आपके डिपेंडेंट वेरिएबल में इजाफा हुआ ये टेस्टिंग इफेक्ट थे फिर हमने देखे आपके जो है वो आ इंस्ट्रूमेंटेशन इफेक्ट इंस्ट्रूमेंटेशन इफेक्ट ये था कि आप चेंज कर रहे हो अपना रिसर्च इंस्ट्रूमेंट प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट में मैंने आपको बताया था कि प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के अंदर एक ही मैरंग इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए फिर हमने सिलेक्शन बाइस इफेक्ट देखे थे जिसके अंदर हमने ये कवर किया था कि कभी भी नामुनासिब आ, जो है वो आ, लोगों को एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप का हिस्सा नहीं बनाना है अपनी अपने ऐसे लोगों को हमने सेलेक्ट कर लिया एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप्स का हिस्सा बना लिया जो कि बिल्कुल भी ऐसे ग्रुप्स बनने के काबिल नहीं थे लेक्चर देने के लिए हमने जो है वो बाहर से किसी बंदे को बुलाया और क्योंकि जो है वो लोगों की गिनती पूरी नहीं हो रही थी एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप के लिए तो फिर हमने उसमें पी एम्स को और अदर स्टाफ को भी Uh, ऐसे एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप का हिस्सा बना दिया फिर हमने देखा था स्टेटिस्टिकल रिग्रेशन इफेक्ट, जिसमें हमने ये ये बात हमें पता चली कि एक्सट्रीम स्कोर्स के जो लोग होते हैं ऐसे लोग भी हमारी पॉपुलेशन के अंदर मौजूद होते हैं अगर हमने अपने एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप सिर्फ एक्सट्रीम स्कोरस के आ, बेस करके उन लोगों के ऊपर बना दिए तो अगेन हमारे प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के अंदर फ़र्क आ जाएगा और हमारा एक्सपेरिमेंट खराब हो जाएगा लिहाजा इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जिस तरीके से पापोलेशन करेक्टरिस्टिक्स हैं वही हमारे एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप के अंदर भी झलके फिर हमने मोर्टेलिटी इफेक्ट देखा था और मोर्टेलिटी इफेक्ट में हमने ये चीज़ मालूम की कि हमारे बंदे जो है जो एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप का हिस्सा हैं उनको एक्सपेरिमेंट छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए वरना जो है अगेन हमारी रीडिंग्स खराब हो जाती हैं लेक्चर टॉपिक्स कवर्ड इन लेक्चर नंबर ट्वेंटी फोर इसके अंदर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कवर किए थे कॉज आई एक्सपेरिमेंटल डिजाइन और ट्रू एक्सपेरीमेंटल डिजाइंस कॉज आए एक्सपेरीमेंटल डिज़ाइंस हमने दो तरह के कवर किए थे एक था हमारा प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट एक्सपेरीमेंटल डिज़ाइन विद ओनली एक्सपेरीमेंटल ग्रुप उसके अंदर कंट्रोल ग्रुप नहीं था लिहाजा ये कॉज आए या सेम आए ट्रू एक्सपेरीमेंटल डिज़ाइन है टोटली ट्रू एक्सिक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन नहीं है या हमने दूसरा पढ़ा था कॉजाई एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जिसके अंदर दी प्री टेस्ट वॉज मिसिंग मगर हमने दो ग्रुप्स बनाए थे एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था और एक कंट्रोल ग्रुप था uh, जिसको हम लोगों ने जिनका हमने पोस्ट टेस्ट लिया था और इसमें मैंने आपको बताया था कि ट्रीटमेंट इफेक्ट कहाँ से मालूम होता है ट्रीटमेंट इफेक्ट हमें पता चलता है माइनस करने से रीडिंग एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कि अगर हम माइनस कर दें कंट्रोल ग्रुप से ये हमने दो क्वाज़ा एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन पढ़े थे फिर ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन हमने जो है वो चार के करीब पढ़े थे एक हमने जो है वो कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप दोनों वाला जो है वो आ, ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन पढ़ा था फिर हमने सोलोमन फोर ग्रुप एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन पढ़ा था फिर डबल ब्लाइंड स्टडीज़ पढ़ी थी और एक्स पोस्ट फेक्टो डिज़ाइंस पढ़े थे ये चार जो है हमने ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस पढ़े थे डबल ब्लाइंड स्टडीज़ के अंदर हमने देखा था कि प्लेसीबोस का इस्तेमाल होता है प्लेसीबोस जो है वो डमीज़ होती हैं जो कि हम जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं देन हमने फैक्टर डिज़ाइन के अंदर ये बात देखी थी कि हम लोग फौरन ही पोस्ट टेस्ट नहीं लेते हैं बल्कि पोस्ट टेस्ट के लिए कुछ वक्फा हम जो है वो पास करने देते हैं एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप्स को उसके बाद हम जाके पोस्ट टेस्ट की रीडिंग्स यानी डिपेंडेंट वेरिएबल की रीडिंग जो है दोबारा मालूम करते हैं फिर हमने सिमुलेशंस कवर की थी लेक्चर नंबर ट्वेंटी फोर के अंदर सिमुलेशंस जो है वो टेक्निक है ऐसी टेक्निक है जिसमें आप जो है वो मॉडल कंप्यूटर बेस्ड मॉडल का सहारा ले सकते हो उसकी मदद से हम लोग जो है वो मुखलिफ चीज़ें अपने रेस्पोंडेंट्स और अपने सब्जेक्ट्स uh, के बारे में मालूम कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हवाई जहाज की ट्रेनिंग के लिए सिमुलेशनस का इस्तेमाल होता है आपके सामने कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो है वह जहाज़ का रन वे नज़र आ रहा होता है पायलट्स uh, जो कि ट्रेनिंग ले रहे होते हैं उनको आ, ये आ, बावर कराया जाता है कि वो एक जैसे एक जहाज़ में बैठे हैं और उनके सामने कंट्रोल्स होते हैं और जैसे वो कंट्रोल्स को प्रेस करते हैं वैसे वैसे उनको पता चल जा प, पता चलता जाता है और जहाज़ उड़ाना आ जाता है इस टेक्निक की मदद को भी हम लोग जो है वो एक्सपेरिमेंट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं सिमुलेशंस या सिमुलेशंस बेस्ड डिजाइन जो है ना तो फील्ड uh, एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है ना ही लैब एक्सपेरिमेंट का बल्कि इनके दरम्यान की चीज है क्योंकि हमने आर्टिफिशियल एनवायरमेंट क्रिएट की है जो कि हकीकत से मिलती जुलती है फिर हमने देखी थी मैनेजरियल कंसिडरेशन फॉर सेलेक्टिंग एन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन वो क्या हो सकती हैं लेक्चर नंबर ट्वेंटी फोर में हमने ये चीजें कवर की थी और आज हम इसकी रिविजन कर रहे हैं लेक्चर नंबर ट्वेंटी फाइव में क्या हमने देखा था लेक्चर नंबर ट्वेंटी फाइव से आपकी सैंपलिंग जो है वो टर्मिनोलॉजी स्टार्ट हो गई थी सैंपलिंग डिजाइन जो है वो स्टार्ट हो गया था सैंपलिंग के अंदर जो है आ, आपको ये आ, बताया गया कि पॉपुलेशन क्या होती है सैंपल क्या होता है सैंपल साइज क्या होता है हम इसको कैस, किस चीज से डिनोट करते हैं देन एलिमेंट ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है सब्जेक्ट ऑफ सैंपल क्या होता है और पॉपुलेशन फ्रेम क्या होता है सबसे बढ़ के पॉपुलेशन फ्रेम क्या होता है ये तमाम चीजें सैम्पलिंग टर्मिनोलॉजी में हमने देखी थी नॉर्मेलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में हमने देखा था कि किस तरीके से पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो फैली हुई होती हैं पॉपुलेशन के अंदर और बाज नॉर्मल नॉर्मल डिस नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है आपका जो वेरिएबल है जैसे वेरिएबल ऑफ हाइट है वेरिएबल ऑफ वेट है वेरिएबल ऑफ सी जी पी ए है ये आपकी पॉपुलेशन के अंदर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा यानि दरमियन का स्कोर रखने वालों की तादाद ज़्यादा होगी बनस्बत एक्सट्रीम वैल्यूज़ का स्कोर रखने वालों के दरमिया स्कोर रखने वालों की वैल्यू ज्यादा होती है नॉर्मेलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लिहाजा जैसी आपकी पॉपुलेशन करैक्टरिस्टिकस हो वैसे ही आपके सैंपल के अंदर भी करैक्टरस्टिक्स जो है वो नजर आनी चाहिए अगर पॉपुलेशन मीन फॉर एग्जाम्पल 3.1 है 3.1 पॉइंट वन सी जी पी एज़ दॉपुलेशन मीन तो आपके सैम्पल का मीन भी इतना ही होना चाहिए और स्टैंडर्ड डिवियशन अगर जो है वो पॉपुलेशन के अंदर पॉइंट टू है तो आपके जो सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी पॉइंट टू होनी चाहिए तो जो पॉपुलेशन पैरामीटर्स हैं वही आपकी पॉपुलेशन के uh, वही आपके सैंपल के करेक्टरिस्टिक्स uh, भी होने चाहिए फिर तो हम कह सकते हैं कि हमने बेहतर भितर या बेहतरीन सैंपल हमने चूज किया जो पॉपुलेशन के अंदर करैक्टरस्टिक्स थी वही हमारे सैंपल के अंदर हैं और अगर हम ऐसी बात ना कर सके तो फिर जो है हमें शक होगा कि हम लोग जो है सही सैंपल लेकर नहीं आए हैं तो जैसी आपकी पॉपुलेशन की करैक्टरस्टिक्स है उसमें अमीर बंदा भी है गरीब बंदा भी है और जो है दरमिया सैलरी वालों की तादाद ज़्यादा है दरमिया तनख्वाह माहाना आमदनी रखने वालों की तादाद ज़्यादा है तो आपके सैंपल के अंदर भी ऐसी ही खसूसियात होनी चाहिए वरना फिर कौन सा ईशू आता है जनरलाइजिलिटी का इशू आता है और ये भी हमने एक चीज़ नोट की थी कि हम हमारी पॉपुलेशन जो है जो ग्रुप अंडर आवर इन्वेस्टिगेशन होता है जो जिसके ऊपर हम स्टडी कर रहे होते हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है हजारों के अंदर होती है लाखों के अंदर होती है तो फिर अगर हमने इन चीज़ों का ख्याल ना रखा तो वी वॉन्ट बी एबल टू कवर uh, के हमने जो है वो सही तरीके से सैम्पलिंग uh, की है तो नॉर्मेलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपको जो uh, जो आपके पॉपुलेशन करेक्टरस्टिक्स हैं वो मालूम होने चाहिए आपने मैच करना है विद योर सैम्पल देन हमने ये भी देखा था कि विच सैम्पलिंग डिजाइन टू सेलेक्ट विच सैंपलिंग डिजाइन टू सेलेक्ट के अंदर जो हमने चीजें नोट डाउन की जो चीजें हमने मालूम की वो ये थी कि इन uh, दी Uh, prime uh, preliminary stages of the research process we can adopt or use non probability sampling techniques as well while in the uh, in, in the phase where we are gathering uh, the uh, data for our hypothesis testing to us hamesha probability sampling techniques jo hai प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आ, इनकी मदद से हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं आ, जो भी हमने जो है वो रिजल्ट हासिल किए हों और इनकी मदद से हम लोग जो है अपने हाइपोथेसिस को आ, कह सकते हैं कि इसमें जो है वो आ, इसकी प्रोबेबिलिटी या चांस जो है वो एरर कितना है लिहाजा हम अल्फा भी कैलकुलेट कर सकते हैं तो हमेशा हमने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक पांचवें स्टेप में, में आ, जो है वो एडॉप्ट करनी है इसके अंदर फिर हमने देखा था कि कितनी तरह की जो है वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स है हमने देखा था दो तरह की प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स है पहली जो है वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग थी दूसरी जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग थी फिर हमने नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टेक्निक्स भी देखी थी अंडर आवर इन्वेस्टिगेशन आई और इसके अंदर जो है हमने Uh, देखा था कि दोनों टेक्निक्स जो है वो कौन कौन सी हैं uh, एक हमारी पर्पजिव सैंपलिंग थी और दूसरी हमने uh, देखी थी कि uh, किस तरीके से हम लोग जाके uh, रैंडमली uh, जो भी अवेलेबल हो रहा है उसके पास जाके हम इंटरव्यू कर रहे थे सो so, uh, ये दो टेक्निक्स हमने जो है वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की भी देखी थी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर जो है हमने जो टेक्निक्स लेक्चर ट्वेंटी सिक्स में कवर की वो थी सिंपल रैंडम सैंपलिंग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के बाद हमने कॉम्प्लेक्स प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की पहली टेक्निक सिस्टमेटिक सैम्पलिंग देखी थी और सिस्टमेटिक सैम्पलिंग के अंदर हमने देखा था कि हम कोई नंबर या एन मुंतखब कर लेते हैं और पॉपुलेशन फ्रेम के अंदर वो नंबर जो है हम लोग डाल के आ, ये देखते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास बच्चों का रजिस्टर है जिसके अंदर उनके रोल नंबर्स आ, जो है वो मौजूद हैं तो हमने हर तीसरे बंदे को हमने कहा है कि एन इज़ इक्वल टू थ्री हर तीसरा बंदा हमारी सैम्पल के अंदर मौजूद होगा तो ये थी सिस्टमेटिक सैम्पलिंग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में सिंपल हेड हेड एंड चिट मेथड हमने इस्तेमाल किया था देन हमने पढ़ी थी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग और स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग जो है उसकी आ, जो हमें ज़रूरत पड़ती है या नीड अराइज होती है वो उस वक्त होती है जब हमारी पॉपुलेशन स्ट्रेटा के अंदर मौजूद हो स्ट्रेटा यानी के लेयर्स के अंदर मौजूद होगी तो फिर हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग करेंगे इसमें भी आगे दो टेक्निक्स हमने पढ़ी थी एक प्रोपोर्शनेट स्टेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग और दूसरी आ, हमने आ, जो है वो डिसप्रोपोर्शनेट प्रोपोर्शनेट रैंडम सैम्पलिंग पढ़ी थी आ, और हमने इसकी बहुत सारी मिसालें की थी फिर हमने जो है वो पढ़ी थी क्लस्टर सैम्पलिंग क्लस्टर सैम्पलिंग तीसरी आ, जो है वो तरीका का या तीसरा मेथड था हमारा हमारी कॉम्प्लेक्स प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का और इसके अंदर हमने ये आ, जो है वो जाना था कि क्लस्टर्स कैसे बनते हैं क्लस्टर्स क्या होते हैं कैसे बनते हैं जैसे स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के अंदर जो हमारे ग्रुप्स थे उनकी विद इन ग्रुप देवॉस होमोजेनिटी इन ग्रुप देवॉस होमोजेनिटी यानी कि अगर हमने ग्रुप्स बनाए हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग के अंदर टॉप मैनेजर्स मिडिल मैनेजर्स एंड लाइन मैनेजर्स के तो ग्रुप जो है वो तकरीबन उसमें जो बनते हैं वो मिलते जुलते हैं तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में होमोजेनिटी थी विद इन ग्रुप एंड बिटवीन ग्रुप्स देर वॉज हेट्रॉजनिटी यानी कि टॉप मैनेजर्स मिडिल मैनेजर्स से नहीं मिलते जुलते थे और मिडिल मैनेजर्स लाइन मैनेजर्स से नहीं मिल रहे थे उनकी करेक्टरिस्टिक्स जो है वो डिसिमिलर uh, थी जुदा थीं ये जो है वो मामला होता है आपका स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में जबकि क्लस्टर सैंपलिंग में इसके ऑपोजिट होता है क्लस्टर सैंपलिंग में देर इज हेट्रोजेनिटी विद इन ग्रुप एंड होमोजेनिटी बिटवीन ग्रुप मैंने आपको इसमें मिसाल दी थी इस्लामाबाद के सेक्टर्स की या सिटी ब्लॉक्स की जिसके अंदर हर सेक्टर में या सिटी ब्लॉक में तरह तरह का बंदा मौजूद होता है आ, इसके अंदर स्वीपर भी रह रहे हैं मिलनेर्यर्यर्स भी रह रहे हैं इसके अंदर शॉपकीपर्स भी हैं बिजनस भी हैं इसके अंदर जो है वह ब्यूरोक्रैट्स भी हैं Uh, हर तरह का बंदा हर सेक्टर में आपको अवेलेबल नज़र आएगा तो देर इज हट्रोजनिटी यानी कि मुख्तलिफ हैं लोग विद इन सेक्टर या विदिन ग्रूप वन अगर हम एक सेक्टर लें एफ का इस्लामाबाद जो है वो सेक्टर्स के बुनियाद के ऊपर बना हुआ है तो एफेट के अंदर देर इज़ हेट्रॉजनिटी बिटवीन दिस ग्रुप अगर एफेट का पूरा हमने ग्रुप लिया है इसके अंदर हट्रोजनिटी है और होमोजेनिटी है बिटवीन ग्रोप्स यानि कि एफ एट मिलता जुलता है एफ टेन के साथ एफ़ टेन मिलता जुलता है एफ एलेवन के साथ होमोजेटी कैसे है कि इनका जो हदूद अरबा है या रकबा है ये तकरीबन एक जितना है आ, टू बाय टू स्क्र किलोमीटर के ये सेक्टर्स हैं इस इन तमाम के दरमियान मरक़ भी है इनके अंदर मस्जिदें भी मौजूद हैं और इनकी प्लानिंग भी तकरीबन एक तरह से हुई हुई है तो देर इज़ हमोजनिटी बिटवीन ग्रोप्स एंड हैट्राजेनिटी विद इन ग्रोप इन क्लस्टर सैम्पलिंग इसके फिर अंदर हम लोगों ने जो है वह सिंगल स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग और मल्टी स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग देखी थी एरिया सैम्पलिंग देखी थी फिर तो हमने जो है वो डबल सैम्पलिंग देखी और डबल सैम्पलिंग में हमने ये बताया था कि हम सैम्पल से सैम्पल निकाल रहे हैं सैम्पल से जब हम लोग सैंपल निकालते हैं तो ये डबल सैम्पलिंग कहलाती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स हमने बहरहाल कवर की थी लेक्चर नंबर 26 के अंदर फिर हम लेक्चर नंबर 27 में नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स पर चले गए थे और इसके अंदर हम लोगों ने uh, जो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक में पहली टेक्निक हमने uh, पढ़ी थी कि किस तरीके से हम लोग जो है जो भी अवेलेबल हो रहा है बंदा हमारे um, पॉपुलेशन uh, का हम उससे जाके जो है वो uh, बातचीत स्टार्ट कर रहे हैं अगेन ऑन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक के अंदर uh, जो uh, जो बुनियादी पॉइंट uh, या uh, चीज़ होती है जो इसको जुदा करती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग uh, से कि इसके अंदर चुने जाने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होती है ऑफ योर एलिमेंट्स uh, आपकी जो सिलेक्शन uh, की है uh, कोई भी बंदा इसके अंदर जो है हम लोग सेलेक्ट uh, कर सकते हैं उसकी कोई प्रोबेबिलिटी जो है वो एज सच नहीं होती क्योंकि सैम्पलिंग फ्रेम भी हमारे पास अवेलेबल uh, नहीं होता है ये एक टेक्निक हमने देखी फिर दूसरी टेक्निक हमने जो है वो जजमेंट सैम्पलिंग की देखी और जजमेंट सैम्पलिंग के अंदर हमने देखा कि हम आ, जो है वो बाज़ ग्रुप्स के पास आइडेंटिफाइबल ग्रुप्स के पास जाके डाटा गैदर करते हैं और फिर हम लोगों ने देखा कि Uh, हम कोटा सैंपलिंग कर सकते हैं कोटा सैम्पलिंग आपकी जस्ट लाइक स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग है मगर स्टेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग में मैंने आपको बताया था कि बेशक हमने हमने स्ट्रेटा भी आइडेंटिफाई कर लिए और क्लस्टर्स भी आइडेंटिफाई कर लिए जो डाटा गैदरिंग है वो आपकी होगी विद दी हेल्प ऑफ सिस्टमेटिक एंड सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इसके अंदर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो टेक्निक है कोटा सैम्पलिंग इसके अंदर हम लोग जो डाटा गैदरिंग करते हैं अगेन जो भी भीटा के अंदर हमें मैनेजर या बंदा अवेलेबल होता है हम उसके पास जाके जो है वो डाटा गैदर कर लेते हैं तो वो आपकी कोटा सैम्पलिंग बन जाती है ये तमाम सैम्पलिंग जो है हमने कवर की लेक्चर नंबर 27 के अंदर और फिर हम लोग जो है हमने देखा कि आइडियल सैंपल साइज क्या होना चाहिए आइडियल सैम्पल साइज के लिए मैंने आपको एक टेबल बताया था क्रैथसी एंड मॉर्गन का और इन्होंने जो है वो ये आइडेंटिफाई किया कि अगर इतना हमारा पापुलेशन uh, हो तो ये हमारा सैम्पल साइज़ होना चाहिए बेस्ड ऑन वेरियस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी पॉपुलेशन उन्होंने आइडेंटिफाई किया हमारे लिए इसके अलावा जितना भी बड़ा हमारा सैम्पल साइज़ होगा उसके अंदर जो है वो हम ज़्यादा वसूक के साथ कह सकते हैं कि हमारे जो पॉपुलेशन करेक्टरिस्टिक्स हैं ये सैम्पल का हिस्सा है और इसके अंदर हमें इस चीज़ का ख़्याल रखना पड़ेगा कि अगर जो स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पॉपुलेशन की हाई है हमने मुखलिफ़ वेरिएबल्स निकाले देखे स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हाई है तो हमारा सैम्पल साइज़ भी बड़ा होना चाहिए और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा गैप नहीं है तो कम जो है सैंपल साइज के साथ भी हम गुजारा कर सकते हैं यानी कि वेरिएबिलिटी के साथ जो है वो सैम्पल साइज का लिंक है और इस चीज़ के ऊपर भी लिंक है कि हम कौन से तरीका से uh, जो है सैम्पलिंग कर रहे हैं हमने मेथड कौन सा एडॉप्ट किया है uh, यानी कि uh, अगर हम लोग जो है वो प्रोबेबिलिटी uh, सैम्पलिंग के साथ डाटा गैदर कर रहे हैं तो फिर जो है हम नस्बता कम हम सैम्पल साइज़ के साथ गुजारा कर सकते हैं और अगर नॉन प्रोबेबिलिटी है तो फिर हमें सैम्पल साइज़ इंक्रीज करना पड़ेगा तो ये बहुत सारे अवामिल थे बहुत सारे फैक्टर्स थे जो कि आपके आइडियल सैम्पल साइज़ को तय करते हैं फिर हम लोग जो है वो आखिर में इंट्रोडक्शन टू डाटा अनालस प्रोसेस की तरफ चले गए बढ़ गए इसके अंदर हम लोगों ने देखा कि डेटा एनालिसिस प्रोसेस स्टार्ट होता है आपने जो है वो डाटा गैदर कर लिया फिर आपने जो है वो तमाम अपने क्वेश्चन ईयर्स को अगर आपने कोश्चन ईय के थ्रू डाटा गैदर किया है आपने उनको चेक करना है जाहिर है कि आपने सैम्पलिंग जो है वो पहले की होगी फिर आपने जो है वो आप आपने ये चीज़ें बुनियादी तौर पे चेक की आपने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करनी है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से आपने ये तय किया कि सिस्टमेटिक सैम्पलिंग करनी है फिर आपने डाटा गैदर किया यानी कि कोश्चन ईयर आपके पास आन मौजूद हुए आ गए आपने फिर उनको चेक करना है कि क्या इसमें एलिजिबिलिटी के इश्यूज तो नहीं है कोई एरर्स तो नहीं है फिर आपने उनकी नंबरिंग की और फिर हम डाटा एनालिसिस स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 27 के अंदर हमने ये चीज़ें कवर की लेक्चर नंबर 28 में हम लोग आ गए इंट्रोडक्शन टू डिस्क्रिप्टिव स्टेटस्टिक्स में अब जो है वो जब हमारे पास क्वेश्चन एयर आ गए हमने क्या करना है हमने उनकी उसकी डाटा फाइल बनानी है उसकी डाटा फाइल बनानी है और हमने डाटा एंट्री करनी है इन एस पी एस एस और एनी अदर सॉफ्टवेयर हमने ये डाटा एंट्री कर ली तो फिर हम लोग एनालिसिस के लिए तैयार हो गए एनालिसिस हमने देखा कि दो तरह के होते हैं एक डिस्क्रिप्टिव uh, एनालिसिस होता है और दूसरा हमारा इंफ्लेंशल एनालिसिस होता है डिस्क्रिप्टिव के अंदर हम लोग मयस ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मयर्स ऑफ डिस्पर्शन और तीसरी चीज हम लोग कवर uh, करते हैं आ, जि, जिसको फ्रीक्वेंसीज कहते हैं ये चीज़ें भी नहायत अहम और ज़रूरी हैं हमें ये पता देती हैं कि एक वेरिएबल जो है वो क्या फ़ील करवा रहा है तो फील जो है आपको आ, अपने डाटा की आ, मालूम होती है इन तमाम इन तीनों चीज़ों से एस पी एस एस पे इसको एनालाइज करना बहुत आसान है आपने जब डाटा फाइल बना ली आप सिंपली एनालाइज पे गए और फिर एनालाइज से डिस्क्रिप्टिव्स पे गए तो डिस्क्रिप्टिव्स के अंदर आप मीन भी निकाल सकते हैं मीडियन भी मोड भी कैलकुलेट कर सकते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन रेंज वेरिएंस ये तमाम चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हैं स्क्यूनेस आप मालूम कर सकते हैं कर्टोसिस आप मालूम कर सकते हैं तो ये तमाम चीजें हमने इन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वाले लेक्चर के अंदर कवर की थी और फिर हम लोग आगे थे मेथड्स ऑफ बाईवेरिएट एनालिसिस के ऊपर और मेथड्स ऑफ बाई वेरिएट एनालिसिस जो कि लेक्चर नंबर ट्वेंटी नाइन में कवर किया गया इसमें हमने देखा इनफुलेंशल स्टैटिकशियल स्टैटिस्टिक्स मुख्तलिफ है आपकी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिकशल स्टैटिक्स की मदद मतलब से हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है और हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर हम लोग दो वेरिएबल्स या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स जो है उनका एक साथ एनालिसिस कर रहे होते हैं जब दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स का एक साथ एनालिसिस करते हैं उसकी मदद से हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर पाते हैं और इसमें मैंने आपको मुख्तफ टेस्ट बताए थे जिनकी मदद से हमने अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है जिसमें था काई स्क्वेयर का टेस्ट जिसमें था कोरिलेशन का टेस्ट जिसमें था टी टेस्ट ये तमाम टेस्ट हमने यहाँ पे देखे इसके अलावा हम आ, हमने ये भी जाना शुरू के अंदर लेक्चर नंबर ट्वेंटी नाइन के एक टेबल मैंने आपको दिखाया कि हम हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल का भी न्यूमेरिकल डाटा होना चाहिए और डिपेंडेंट वेरिएबल का भी न्यूमेरिकल डाटा होना चाहिए अगर हमारे पास कोई भी डाटा मिसिंग है तो फिर हम ये टेस्ट नहीं लगा सकते हैं और फिर मैंने आपको बताया था कि स्केल्स जो हैं अगेन दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोथ जो है वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल इसका आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सा स्केल कौन से स्केल की मदद से डाटा जो है वो गैदर किया है विद द हेल्प ऑफ नॉमिनल हेल्प ऑफ ऑर्डिनल और इंटरवल और रेशियो स्केल या डेकोटम स्केल ये तमाम इन इन तमाम स्केल्स में से कौन से स्केल से आपने डाटा गैदर किया है तो अगर एक सवाल यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का हमने नॉमिनल से उसके ऊपर डाटा गैदर किया है और एक जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट है दोनों का हमने नॉमिनल स्केल से किया है तो फिर हम लिमिट हो जाते हैं हम सिर्फ वो चार टेस्ट लगा सकते हैं जो कि आपके टेबल में लिखे हैं उन चार तरीकों से हम लोग जो है वो डाटा की टेस्टिंग कर सकते हैं अगर आपने दोनों इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल आपने जो है वो गैदर किए विद द हेल्प ऑफ इंटरवल स्केल या रेशियो स्केल तो फिर हम लोग कौन से टेस्ट लगा सकते हैं पी एस एन को रिलेशन का टेस्ट लगा सकते हैं ये हमने मैथड्स ऑफ बाई वेरिएट एनालिस में और उस टेबल के अंदर जो है स्पेसिफिकली चीजें देखी थी फिर हम लोग जो है वो कॉन्टिनजेंसी टेबल्स के ऊपर चले गए कॉन्टेंजेंसी टेबल्स जो है वो सबसे बेसिक फॉर्म है हमारे बाई वेरिएट अनिसिस की और इसमें जो है वो नॉमिनल वेरिएबल से हासिल शुदा जो डाटा होता है उसके जो है कॉन्टेंजेंसी टेबल्स बन जाते हैं बिल्कुल फ्रीक्वेंसी टेबल्स की तरह होते हैं मगर इसमें दो वेरिएबल्स का अनालिस एक साथ होता है फिर कॉन्टेंजेंसी टेबल्स की ही एक्सटेंशन है असल में का स्क्वेयर टेस्ट का स्क्वेयर टेस्ट में जो है वो टेबल ऑफ ऑब्जर्व वैल्यूज़ होता है और टेबल ऑफ एक्सपेक्ट वैल्यूज होता है और फिर फार्मूला के अंदर जो है हम लोग लगा के का स्क्वायर वैल्यू मालूम करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम मालूम करते हैं जिसकी मदद से हम लोग जो है वो कैलकुलेट करते हैं का स्क्वायर की वैल्यू और का स्क्वायर की वैल्यू अगर हमारी कैलकुलेटेड टेबुलेटेड से टेबल के अंदर भी हम देखते हैं अल्फा और डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ अगर वो वैल्यू ज्यादा हो तो फिर हम कह सकते हैं कि हम हम हमारा जो एच ए है या अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो सही है तो काई स्क्र टेस्ट हमने जो है वो आ, बहुत तफसील के साथ पढ़ा फिर हमने को रिलेशन पियर्स कोरिलेशन पढ़ी बहुत ही ज़्यादा तफसील के साथ पियर्सन को रिलेशन के अंदर अगेन देर इज़ ए फार्मूला आपको एक्स की वैल्यूज़ मालूम होनी चाहिए आपको y की वैल्यू मालूम होनी चाहिए इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ मालूम होनी चाहिए फिर आप को रिलेशन कैलकुलेट कर सकते हो और गाल हमने जो आ, ए, ए, एक एग्जाम्पल देखी थी उसमें कोरिलेशन की वैल्यू पॉइंट सिक्स के करीब आई थी uh, इसमें हमारी जो कोरिलेशन है वो पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है पॉजिटिव कोरिलेशन हमें पॉजिटिव रिलेशनशिप मालूम करके बता दिया, यानी एक वेरिएबल के बढ़ने से उसके साथ साथ हमारा दूसरा वेरिएबल भी बढ़ रहा है ये हमारे पास पॉजिटिव है और अगर एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल कम हो रहा है या एक के कम होने से दूसरा बढ़ रहा है तो फिर नेगेटिव के अंदर कोरिलेशन की वैल्यू हमारे पास आएगी तो को रिलेशन हमें यह शो करता है कि एक वेरिएबल के साथ दूसरा वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ क्या दूसरा वेरिएबल साथ, साथ बढ़ता है या कम होता है सिर्फ ये चीज़ हमें बताती है यानी कि को रिलेशन कैसी है मगर इसमें हमें कॉज एंड इफेक्ट का जो सिलसिला है वो हमें मालूम नहीं हो सकता है उसके लिए फिर हमें रेग्रेशन का टेस्ट लगाना पड़ता है माइनस भी वैल्यू हो सकती है प्लस भी हो सकती और है और जीरो कोरिलेशन अगर जीरो इसकी वैल्यू आए तो इसका मतलब है देर इज़ नो को रिलेशन फिर हमने रेग्रेशन एनालिसिस पढ़ा था जिसमें आ, अगर हमने मॉडल बिल्डिंग करनी हो हमने जो है वो फॉर एग्जाम्पल वाई अगर हमारा in, आ, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और किस तरीके से जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की कितनी रकूम कितनी आ, जो है वो नोमरिकल वैल्यू बढ़ाने के साथ वाई वेरिएबल के ऊपर क्या असरा होते किस हिसाब से वो बढ़ता है तो हम जो है वो रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं रिग्रेशन को फोकियत देंगे रिग्रेशन ही की मदद से हम लोग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी मालूम कर सकते हैं फिर हमने जो है वो एनोवा का टेस्ट देखा था जिसमें अगर हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स हों तो हम जो है उनके अंदर वेरिएबिलिटी देख सकते हैं कि क्या तमाम ग्रुप्स जो है वो सिमिलर हैं क्या अगर तीन ग्रुप्स हैं और तीनों की प्रोडक्शन रेट जो है वो क्या डिफरेंट है या क्या सिमिलर है फिर हमने एनोवा लगानी है एनोवा हमें टेबल जनरेट करके बताएगी एफ स्टैटिस्टिक्स देगी और उसके साथ हमारे पास जो है वो आ, आ, हमारे पास आएगी वैल्यू आ, आ, पी की और उधर से हमें पता चलेगा कि सिग्निफिकेंस जो है वो हमारी क्या है देन पेयर सैम्पल टी टेस्ट के अंदर हमने देखा था कि हमारा बाज़फ़ा डाटा पेयर्स के अंदर होता है बिफोर और आफ्टर के अगर हमने एक्सपेरिमेंट किया है जैसे हमने डबल ब्लाइंड स्टडीज में पढ़ा था तो हम पेयर सैम्पल टी टेस्ट लगा सकते हैं कि क्या पहले वाली रीडिंग्स और बाद वाली रीडिंग्स में सिग्निफिकेंट फर्क है या नहीं है Uh, अगर ऐसी रीडिंग्स है तो हम पेड सैंपल टी टेस्ट लगाएंगे और अगर हमारे पास जो है वो दो ग्रुप्स हैं और फॉर एग्जांपल उनका मोटिवेशन लेवल है यानी कि मीन मोटिवेशन लेवल ऑफ मेन इज़ uh, लोअर देन मीन मोटिवेशन कैंपस uh, या ऑफिस uh, तो हम लोग जो है मोटिवेशन लेवल ऑफ ऑल मेन एंड वीमेन मालूम करेंगे और फिर उसका जो है वो मीन निकालेंगे और मीन को हम टेस्ट करेंगे और अगर जो है वो हमारी टी वैल्यू हाई आ रही है तो इसका मतलब है जो कि हमारी जो टेबुलेटेड वैल्यू है उस उसके उसके मुकाबले में ज्यादा आ रही है तो हम कहेंगे दैट देर इज ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मोटिवेशन लेन एंड वेमेन तो ये इस तरीके से हमने ये पांचों टेस्ट हमने पढ़े थे और ये टेस्ट करने के बाद लगाने के बाद हमने कंटेंट्स ऑफ रिसर्च प्रपोज़ल एंड रिपोर्ट भी देखे थे आ, ये चीज़ बहुत ज़्यादा अहम है किस तरीके से आप अपना प्रपोजल डेवलप कर सकते हो आपने तमाम रिसर्च का प्रोसेस पढ़ा या yeah, आप ये जान गए कि प्रपोजल के अंदर रिसर्च प्रपोजल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और कौन कौन से टॉपिक्स रिसर्च प्रपोजल के अंदर लिखे जाते हैं और फिर हमने जो है रि रिसर्च रिपोर्ट बनानी सीखी किस तरीके से हम जो है वो एबस्ट्रेक्ट लिखते हैं इंट्रोडक्शन लिखते हैं लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं थोराटिकल फ्रेमवर्क बनाते हैं हाइपोथेसिस स्टेटमेंट्स लिखते हैं फिर हम अपने रिसर्च मैथडोलॉजी के अंदर सैम्पलिंग डिज़ाइन लिखते हैं हम लोग क्वेश्चन के बारे में बताते हैं फिर जो हमने टेस्ट लगाए होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन जो हमारे पास वैल्यूज आ जाएं और जो हम हमने पाई चार्ट और बार चार्ट्स बनाए थे वो हम यहाँ पे जो है वो लगा देते हैं फिर कंक्लूजन लिखते हैं और फिर हम जो है वो डिस्कशन अगर हमारे पास होती है तो वो हम करते हैं और लिमिटेशन करते हैं इन दी एंड हम रेफरेंसेस ज़रूर लगाते हैं रेफरेंसेस के बाद हम लोग जो है अपेंडिक्स के अंदर क्वेश्चन ईयर भी अप करते हैं कॉन्टेंट्स ऑफ रिसर्च प्रपोजल और रिसर्च रिपोर्ट के अंदर इन लेक्चर नंबर थर्टी लेक्चर नंबर थर्टी वी कवर थिंग्स सो ये तमाम आपका जो है वो कोर्स था लेक्चर नंबर थर्टी वन में भी हमने जो है वो कवर uh, की uh, बहुत सारी लेक्चर नंबर वन टू लेक्चर नंबर फिफ्टीन एंड इन दिस लेक्चर हमने जो है वो बाकी मंदा लेक्चर्स यानी फ्रॉम सिक्सटीन टू थर्टी कवर किया क्या क्या चीजें हमने पढ़ी एक दफ़ा हमने सबकी रिविजन कर ली सो so इन्हींल्फाज के साथ विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक थैंक यू वेरी मच